नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे आपके चैनल टेक्नी इंडिया में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं एयरटेल डीटीएच के एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स में आप मिररिंग किस तरह से कर सकते हो, स्क्रीन मिररिंग। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे स्क्रीन कास्ट कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से स्क्रीन एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स के थ्रू अपने टीवी के ऊपर आप किस तरह से लेके जा सकते हैं, तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा, आपको यहाँ पे स्क्रीन कास्टिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल की ज़रूरत होगी और उसमें स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन भी होना जरूरी है। अगर स्मार्टफोन रहेगा तो उसमें ज़रूर मेरे हिसाब से स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन रहने वाला। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपके सेटअप बॉक्स की सेटिंग में क्या क्या आपको देखना की ज़रूरी है। तो आप सेटिंग में चले जाएंगे, उसके बाद आपको नीचे और भी ऑप्शन दिखाई देगा, तो उसमें से आपको यहाँ पे एंड्रॉयड का जो सेटिंग है उसमें जाना पड़ेगा। ये जो सेटिंग में इसे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ सेट योर डिवाइस नेम, मतलब आपका डिवाइस नेम क्या है एयरटेल एक्सट्रीम ऐप में सेटअप बॉक्स में रखा है क्रीम कास्ट के लिए, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट एक्सट्रीम सेटअप स्मार्ट बॉक्स 001 यही रहता है। इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम स्मार्ट बॉक्स ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहता है। उसके बाद बाकी का और सेटिंग आपको देखना है तो आपको यहाँ पे डिवाइस प्रीफ्रेंस वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाना पड़ेगा। उसमें जाने के बाद आपको नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करके, तो आपको यहाँ पे गूगल कास्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो गूगल कास्ट या क्रोम कास्ट है, उसमें आप देखेंगे तो वर्जन वगैरह क्या अपडेट है उसके बारे में दिखाई देगा। ये दो सेटिंग आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो सेटिंग वो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी रहती है, ये ऑटो एक्टिव रहता है ये स्क्रीन कास्ट, तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ सेटिंग करने की ज़रूरी नहीं है। जो आपको सेटिंग करना है वो आपके मोबाइल में आके करना है। तो ये जो मोबाइल है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जियोनी का मोबाइल है, तो जियोनी के मोबाइल में आपको किस तरह से देखना है ये मैं बताऊंगा, या कोई भी और मोबाइल में भी आपको स्क्रीन कास्ट का फीचर मिलता है तो आपको पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में आने के बाद आपको सेटिंग में कहाँ पे आपको क्रोम कास्ट का या स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे मोर में भी देखने को मिल जाता है, तो मैं मोर में चला जाऊँगा, तो उसके बाद मुझे मोर में दिखाई देता है अगर शाओमी का मोबाइल रहेगा तो। यहाँ पे जियोनी में मुझे स्क्रीन कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे सेटिंग में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो कास्ट स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक्सट्रीम स्मार्ट बॉक्स 001 का ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको अगर मोबाइल का स्क्रीन मुझे स्क्रीन करना है तो सिंपली इसको मैं टैप करके कनेक्ट कर दूंगा, तो कनेक्टिंग का ऑप्शन आने के बाद तुरंत ही ये एक्टिव हो जाएगा और आपके टीवी के ऊपर बाय डिफॉल्ट ही आपका स्क्रीन चला जाएगा। तो इसमें आपके टीवी की तरफ से कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें टैप करेंगे तो कनेक्टेड हो जाएगा और पूरा मोबाइल का स्क्रीन आपके आपके टीवी के ऊपर चला जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, आप कुछ भी जो भी स्क्रॉल करेंगे, जो भी मेनू देखेंगे, कोई भी ऐप ओपन करेंगे तो सारे आपको इसमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं मेनू में जाता हूँ, मेनू देख सकते हो, पूरा मेनू भी मेरे सामने खुल के आया। काफ़ी अच्छी तरह से आप बड़े स्क्रीन के ऊपर अपने मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी ऐप लगा सकते हैं या कोई भी और आपको देखना है तो आप देख सकते हो। YouTube देखना है तो मैं YouTube चैनल में आया हूँ, तो YouTube चैनल में भी मुझे कोई भी वीडियो प्ले करना तो मैं कर सकता हूँ। कोई भी सेटिंग करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि कोई भी मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे प्ले हो रहा है। उसके बाद अगर आपको इसको बड़े स्क्रीन में करना है तो बड़े स्क्रीन में भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इसमें रहता है, बस आपके मोबाइल में जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद और भी फीचर इसमें देखने को मिल जाते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अगर आपको डायरेक्टली यूट्यूब प्ले करना है तो आप यूट्यूब भी प्ले कर सकते हो डायरेक्टली। आपको वहाँ पर कनेक्टिंग हमने कनेक्ट टैप किया था कनेक्शन के लिए, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब अलग से भी यहाँ पे आप उसमें जाके प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे उसमें कि अगर आपको यहाँ पे डिसकनेक्ट करना है तो आप डिसकनेक्ट कैसे कर सकते हो। कास्टिंग स्क्रीन का ऑप्शन आपका ऊपर के नोटिफिकेशन में आएगा, कास्टिंग स्क्रीन में जाना है, फिर से आपको इसमें टैप कर देना है। तो टैप करने के बाद डिसकनेक्ट के ऑप्शन पर जाएंगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा और आपका जो टीवी का मेन स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल को, स्क्रीन को स्क्रीन कास्ट कर सकते हो अपने टीवी के ऊपर अपने एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स के थ्रू। काफ़ी आसानी है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर यूट्यूब करना है डायरेक्टली तो आपको यूट्यूब के स्क्रीन कास्ट का मेनू में ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें सिंपली आपको टैप कर देना है। जैसे कि आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो एयरटेल एक्सट्रीम ऐप का क्रोम कास्ट का ऑप्शन है वो कनेक्ट होने के बाद सिंपली आपको ऊपर एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाने का चालू करेगा। तो आप कोई भी वीडियो प्ले करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे वाईफाई और आपका एक स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें जाके सिंपली आपको टैप करके आपका
एक्सट्रीम स्मार्ट बॉक्स 001 आपको टैप कर देना है। तो ये टैप करने के बाद सिंपली आपका यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और उसमें आप जो भी मोबाइल के ऊपर देख रहे हो वो आप आसानी से यहाँ पे प्ले कर सकते हो और देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे एयरटेल की तरफ से लाया है। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप किस तरह से अपने मोबाइल का स्क्रीन कास्ट को अपने टीवी के ऊपर एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स के थ्रू लेके जा सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने दी है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा था। तो मैं दोस्तों अब और भी आपको कुछ पूछना होगा एयरटेल ऐप के बारे में, एयरटेल एक्सट्रीम ऐप के बारे में या एयरटेल सेटअप बॉक्स बारे में, तो आप कमेंट से मुझे जाके आप जरूर लिख सकते हैं। अगर इस सेटअप बॉक्स को आपको खरीदना होगा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप आसानी से इस सेटअप बॉक्स को आप पूरा कनेक्शन को खरीद सकते हो। तो उसका प्राइस भी आपको चेकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी तक आपने मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह से लेटेस्ट और अच्छे वीडियो मैं आपको हमेशा देने की कोशिश जरूर करता रहूंगा। और दोस्तों और भी आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स मुझे आप जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं वैभव मिलता हूँ किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।